sin. बकरी चराने वाले इंसान को बुढ़ापे में चुनाव लड़ने की सूझी है क्या? सुना है अपने बेटे को चुनाव में नॉमिनेट करवा रहा है तू? मेरा बेटा इलेक्शन लड़ रहा है तो गलत क्या है? बुढ़ौती में लगता है तुम्हारी अकल काम करने लगी है। अब आगे की बात जो है मैं नहीं करूंगा, ये करेगी। ए, ज्यादा बोल रहे, रुक जा। तेरे लड़के को कुछ ज्यादा ही जवानी चढ़ गई है वीरप्पा। कबड्डी कबड्डी कबड्डी। लक्ष्मी सर कट गया, बहुत खून बहेगा। उसके बाद गांव में क्रिकेट खेली जाएगी। क्रिकेट? कौन है आप लोग? मैंने तो सोचा था इस घर में एक भी मर्द नहीं है, लेकिन एक तो है, अच्छी मर्द है ये। ए, 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 असली मर्द, सही कहा ना? भाई ये देसी मुर्गी मुझे चाहिए भाई। चुप रहे बैठे, पहले मेरे लिए उसके बाद तेरे लिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, हमें छोड़ दीजिए मालिक, मेरी बहू को कुछ मत कीजिए। हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, बहुत अच्छे इंसान हैं हम। आशीर्वाद तो मुझे मेहरबानी करके अपने घर वालों को समझा दो कि वोट मुझे ही देंगे। चलता हूँ बाजी, चलता हूँ सुंदरी। आजा 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 आजा। भैया हमारे गांव में दूध डेयरी का इलेक्शन हो रहा है, पापा बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। चाचा की आत्मा की शांति के लिए उन्होंने मेरे नाम का नॉमिनेशन फाइल किया है। उनका सामना करने में डर लगता है, वो हमें चैन से जीने नहीं देगा। पापा ने तुझे डेयरी इलेक्शन में किस उम्मीद से खड़ा किया है? भैया पापा ने तुझे डेयरी इलेक्शन में किस उम्मीद से खड़ा किया है? ठीक है भैया। आज से 20 साल पहले घर से 30,000 रुपए चुरा कर गाँव छोड़कर चला गया था, लौट कर आ गया है। नमस्ते। क्यों रे, इलेक्शन लड़ना है, प्रेसिडेंट गिरी चाहिए तुझे? ए, सुन, मैं जब तक जिंदा हूँ यहाँ का प्रेसिडेंट मैं ही हूँ और मेरी ही प्रेसिडेंट गिरी चलेगी। भाई वो मेरे पापा को इतनी समझ नहीं है, बिना सोचे समझे कुछ भी कह देते हैं। मेरा भाई दिखने में उम्रदराज हो गया है लेकिन अभी भी अकल नहीं आई, और मेरे चाचा भी वैसे ही थे, समझ की कमी थी इसलिए अपनी जान गंवा बैठे इलेक्शन बिलेक्शन के चक्कर में। भाई हम लोग गाय भैंस बकरी का दूध बेचकर जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या बताऊँ भाई। आपकी लेवल क्या है, हमारी लेवल क्या है। मैं मानता हूँ कि मेरे पापा और मेरी फैमिली बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें माफ़ कर दो। ऐसा कहूँगा अगर ये सोच रहे हो तो, ये तुम्हारी बहुत बड़ी नादानी है। एए। एए। बोटी बोटी काट दूंगा, मिटा कर रख दूंगा। ओहो हो, अगर मैं इन्हें छूंगा तो काट डालोगे और तुम मिटा दोगे? वीरप्पा बहुत अच्छा इंसान है और उनके दोनों बच्चे लक्ष्मी शाह और वीर शाह, वो दोनों तो उनसे भी अच्छे हैं, लेकिन उनका बड़ा बेटा है ना कनका, बहुत ही खतरनाक लड़का है। वो जिस रास्ते से गुजरे उस रास्ते से हट जाना चाहिए। अगर वॉन किया तो मुंह में ढक्कन लगा लो। तो यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। अंदर आने की अगर हिम्मत करता हूँ तो बाहर जाने के लिए हिम्मत के साथ साथ हौसले का मीटर भी रखता हूँ, समझा? 40 मुर्गी 40 बकरे 4 एकड़ जमीन रखने वाले तुझे प्रेसिडेंट गिरी चाहिए तो
100 एकड़ जमीन, 100 राइस मिल, 2 मिर्चा मिल, 1 मुर्गी फार्म रखने वाले मुझे क्या बनना चाहिए बता। ए, डेरी तुम्हारे पुरखों की दी हुई कोई जागीर है क्या? हल चलाने वाले हर किसान को इलेक्शन में खड़ा होने का हक है। अगर दोबारा कभी हमारी फैमिली तक आने की कोशिश की ना, तो तुम सबकी खाल उधेड़ कर बंकापुर के मटन शॉप में सबको उल्टा लटका दूंगा, याद रखना। हा? अच्छा, बहुत अच्छा डायलॉग मारता है तू तो। कसाई के चाकू के नीचे बकरी का बच्चा मैं करके चिल्लाता है। सुन बच्चे, तू एक काम कर, बंकापुर के हर गली में मेरे बारे में पता करके आ, फिर बात करते हैं। 60,000 लोग रहने वाले इस बंकापुर में अपनी मनमानी का खेल खेलने वाला तुझ जैसा शैतान और 10 साल से पूरे शहर को हिलाते आने वाला हूँ मैं, तो सोच मेरे अंदर कितना दम होगा। इसे ले जाकर हॉस्पिटल के खटिया पर पटकते हो या आश्रम में डालते हो, ये फैसला तुम पर है। ये कनका फाइट करने के लिए भी रेडी और इलेक्शन लड़ने के लिए भी, फैसला तुम कर लो। ए कनका, इज्जत के लिए मेरे भाई ने अपना खून बहाया। 30 साल गुजर गया भगवान, 30 साल गुजर गया, मेरे छोटे भाई की आत्मा को शांति नहीं मिली। उसकी आत्मा को शांति मिलने के लिए दूध के डेयरी के इलेक्शन में एक बार ही सही मेरा अपना कोई जीते। मेरा बेटा लक्ष्मी शाह, वो अगर जीत कर प्रेसिडेंट बना तो मैं जोड़ी बकरा चढ़ाऊंगा। ए वीरभद्र, तुम तो सबके देवता, अगर वो जीता तो तुझे बकरे की बलि मिलेगी, लेकिन मैं जीता तो उन बाप बेटों की बलि चढ़ाऊंगा तुझे। अब तू ही फैसला कर, बकरे की बलि चाहिए या नर बलि, बाद में मुझे दोष मत देना। जल्दी लाओ, बहुत भूख लगी है, जल्दी खाना लाओ। खाना पका रही थी, कैसे परोसूं? आ, बहुत गर्म है। आहा शिवा, बहुत ही अच्छा है। भैया खाना खा रहे हो क्या? हाँ छोटे, ये तो बासी खाना है। अरे छोड़ यार, ये बहुत ही टेस्टी है, खाने देना, तू चुप बैठ बैठ। शैलू, ए शैलू। हाँ क्या है जी, क्यों चिल्ला रहे हैं? भैया को चिकन क्यों नहीं दिया, बासी खाना क्यों दिया? हाँ चिकन खत्म हो गया है इसीलिए। चिकन खत्म हो गया तो फिर ये क्या है? वो मेरा छोटा भाई आने वाला है, उसके लिए रखा है। तेरा भाई अपना है और मेरा भाई पराया है क्या? चिल्ला मत, चुप हो जा, आवाज मत करना, भैया सुन लेंगे, चुप रह। बाबूजी, चुप। मैंने कहा चुप हो जा, भैया खाना खा रहे हैं, चल अंदर। एक दिन का भी सुकून नहीं है इस घर में, जब से आया है जीना हराम करके रखा है। भैया जलाए जैसे ही दीप जलता तो है,
लेकिन किसी घर को रोशन नहीं कर पाया। कौन भैया? लक्ष्मी शाह। क्या भैया, आप भी ऐसे खाना छोड़कर आप यहाँ आ गए? मैंने आपके लिए होटल से आपके पसंद का मटन लाया है। भैया हम दोनों का खून एक ही है भैया, और ये बीबियां वो लोग तो दूसरे घर से आती है, इसलिए वो हमारे रिश्ते को कभी समझ नहीं पाती है। उसके बातों पे आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए भैया, मैं उसे सबक सिखाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं उसे। भले ही वो दूसरों के खून से पैदा हुई है, फिर भी वो हमारे घर को रोशन करने के लिए ही तो आई है ना, ऐसे नहीं बोलते। तू हमेशा इस तरह से लड़ा मत कर यार, क्यों इस तरह लड़ता है? हा? वो हमारे घर शादी करके आई है तेरा प्यार पाने के लिए छोटे, वो तुझे ही तो अपना सब कुछ मानती है ना, समझ कहीं का। हम सब मिलकर उसे प्यार देंगे तो वो हमारे घर को अपना घर और साथ में अपना संसार ये सब समझ कर जी लेगी ना। उसे छोड़कर तू तू भी ना, अभी बच्चा है छोड़। अच्छा तू भी खाएगा क्या? लेखा, ये मेरा छोटा भाई डेयरी प्रेसिडेंट बनेगा, हमारे पापा का सपना पूरा होना चाहिए। कल से हम कैंपेन शुरू करेंगे, सब कुछ भुलाकर काम पर लगते हैं।